सॉल्व करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को, और इसके पहले के जो एक्सरसाइजेज हैं उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दी पॉलिनोमियल 5x-4x² +3 at x=0। x=0 होने पर ये जो हमारा दिया हुआ है पॉलिनोमियल, इसका वैल्यू क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। तो हम लोग बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे लेट px=, ये जो हमारा दिया हुआ है एक्सप्रेशन, इसको हम नोट करेंगे। पहले तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जो हायर डिग्री वाला है उस टर्म को पहले लिखेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा 5x, फिर आएगा 3। ओके, ये लिख दिया हमने लेट px=, दिस ये तो हमारा दे रखा है। अब नंबर वन पे हमारे पास x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0। तो जहाँ हमारा x है ना, वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। तो x की जगह 0 पुट कर लिए, इक्वल टू -4, और x की जगह 0 इसका स्क्वायर +5 इंटू, यहाँ पे x की जगह 0 हो जाएगा और हमारा होगा यहाँ पे 3, राइट, कुछ इस तरह से होने वाला है। तो अभी आप देखेंगे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, -4 × 0, और ये 5 × 0, 0 हो गया, और यहाँ पे 3, ये -4 × 0 हमारा 0, चूँकि 0 को किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आता है, प्लस हमारा 0 है और +3, ये हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, तो 3 होगा, राइट। अगला हमारे पास है 2 नंबर, तो 2 नंबर पे हमको एक्स के जगह -1 रखना है। तो ये हमारा एक्स है यहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या रखा, -1, और हमारे पास क्या है ना, -4x², तो एक्स के जगह -1 इसका स्क्वायर +5 × यहाँ हमारा मल्टीपल में है तो हम क्या किए, -1 रख दिए, प्लस में क्या किए, 3। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, -4, -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो हम यहाँ पे +1 लिखेंगे, और ये हमारा 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 5 आएगा, माइनस और प्लस, ये जो प्लस है और ये माइनस है, मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और ये हमारा 3 अभी रह जाएगा। अगले स्टेप में क्या मिलेगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस प्लस माइनस आएगा, ये हमारे पास -5 है +3। देखिए यहाँ पे ना दोनों सेम साइन है, सेम साइन होने के केस में ऐड करते हैं तो ये हमारा -9 होगा, साइन हमारा चेंज नहीं होगा, प्लस हमारा यहाँ पे 3 होने वाला है। अब यहाँ पे डिफरेंट साइन हो गया, तो डिफरेंट साइन होने के केस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 - 3 की हमारे पास क्या आ गया, 6। लेकिन ध्यान रखिए जो बड़ा वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा यहाँ पे 9 का है, जो माइनस में है हम यहाँ पे माइनस पुट करेंगे, तो हमारे पास -6 आंसर बन जाएगा। और जो थर्ड क्वेश्चन है इसको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक्स का जगह 2 रखना है, तो एक्स का जगह 2 पुट कर लिया, इक्वल टू -4 × एक्स का जगह क्या रखना है, 2 इसका स्क्वायर कर लेंगे, +5 × फिर से हमारा 2, और यहाँ पे प्लस में हमारा 3 रहने वाला है। आप देखेंगे हमारे पास -4, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा, और 5 × 2 हमारा 10 होगा, प्लस में हमारा 3 हो गया, माइनस ये 4 4 मल्टीप्लाई होगा 16, माइनस प्लस है तो माइनस होगा, और यहाँ पर +10 + 3, ये देखिए +10 और +3 सेम साइन है, ऐड हो जाएगा, तो अभी -16 रखिए और ये +13 हो गया। देखिए डिफरेंट साइन है, क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 16 में 13 आने की 3 बच गया, और 16 यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 16 ज़्यादा है लेकिन वो माइनस में है, तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा रहेगा ना उसका साइन रखेंगे माइनस, हमारा यहाँ पे आंसर आएगा -3। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहता है P0, P1 और P2 फाइंड करने के लिए, जितने भी हमारे पास दिए हुए हैं पॉलिनोमियल सभी के लिए। तो पहला जो हमारे पास दिया हुआ है पॉलिनोमियल, ये py=y² - y+1 है, हमको यहाँ पे क्या निकालना है, P0,
हम क्या करेंगे, वाई की जगह जीरो रख लेंगे, जीरो का स्क्वायर होगा जीरो प्लस वन, यहाँ पे हमको वन मिल जाएगा। और पी वन निकालना है तो वाई की जगह वन रखेंगे, वन का स्क्वायर होगा, वाई की जगह वन रखेंगे प्लस वन होगा। ये देखिए वन का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, वन माइनस वन प्लस वन, यहाँ पे वन और वन ऐड होकर के टू हो जाएगा, माइनस वन हमारे पास यहाँ पे आंसर के रूप में वन आ जाएगा। और हमको पी टू भी निकालना है तो टू का स्क्वायर पहले होगा, फिर माइनस टू प्लस वन होगा, टू का स्क्वायर फोर माइनस टू प्लस वन, ये प्लस वन और प्लस फोर हमारा प्लस फाइव हो जाएगा, माइनस टू हमारे पास आंसर क्या आ गया, थ्री। तो पहले तुमको पी जीरो निकालना पड़ेगा, तो टी के जगह हम जीरो रखेंगे। अगला हमारे पास टू प्लस यहाँ पे जीरो प्लस टू, ये जीरो का स्क्वायर और यहाँ पे जीरो का क्यूब होगा, तो ये टू होगा जीरो होगा, जीरो का स्क्वायर जीरो इंटू टू करेंगे जीरो मिलेगा, जीरो का क्यूब हमारा जीरो। अब हमारे पास यहाँ पे टू ही आएगा आंसर, क्योंकि जीरो को ऐड करें चाहे सबट्रैक्ट करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोगों को यहाँ पे पी वन भी निकालना पड़ेगा, तो टी के जगह वन रखेंगे, टू प्लस वन प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब होगा, तो यहाँ पे टू प्लस वन प्लस वन का स्क्वायर वन इंटू टू हमारा टू होगा, वन का क्यूब हमारा वन ही होगा, जो प्लस में उसको एक साथ ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा फाइव, माइनस वन करेंगे आंसर मिलेगा फोर। और यहाँ पे हमको पी टू भी निकालना है, तो जहाँ जहाँ हमको टी है वहाँ पे हम टू रख लेंगे, तो टू प्लस टी के जगह हमारा टू हो जाएगा, टू इंटू टी के जगह टू इसका स्क्वायर कर लेंगे, और टू का हमारा यहाँ पे क्यूब होने वाला है, तो टू प्लस टू प्लस टू का स्क्वायर कितना हो गया, फोर, तो टू इंटू फोर रखेंगे और टू का क्यूब हमारा एट होता है। अब अगला स्टेप में हमारा क्या होगा, सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो टू प्लस टू ये मल्टीप्लाई होकर के हमारा एट माइनस एट, सभी को ऐड कर लीजिए, जो प्लस में है यहाँ पे ट्वेल्व मिलेगा और माइनस में हमारा एट होगा, आंसर हो जाएगा हमारा फोर। तो इस तरह से सॉल्व हो गया हमारा ये पहला क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, पी वन पी जीरो, तो जीरो रख लीजिए, जीरो का क्यूब करेंगे तो ऑब्वियस है कि हमको यहाँ पे जीरो मिलेगा। पी वन निकालना है तो एक्स की जगह वन रख लीजिए, वन का क्यूब करेंगे तो वन आएगा, और हमको क्या निकालना है, पी टू, तो टू रखेंगे इसका क्यूब करेंगे क्या आएगा, एट आएगा, और ये हमारा हो गया, बन गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये हमारे पास दिया हुआ है एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, तो इसको हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी कि एक्स का स्क्वायर और वन का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, वन का स्क्वायर वन होगा। अब हमको क्या लेना है, यहाँ पर पी जीरो लेना है, तो जीरो का स्क्वायर माइनस वन, तो जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस वन हमारा क्या आएगा, माइनस वन आ जाएगा। और दूसरा हमारा है वन रखना है, तो हम यहाँ पे वन रख लिए, इसका स्क्वायर वह एक्स के जगह वन रखें, ये हमारे पास क्या आएगा, वन का स्क्वायर वन माइनस वन हमारा जीरो हो जाएगा। और एक हम हमको और निकालना है, हमको पी टू निकालना है, तो एक्स की जगह टू रख लीजिए, तो टू का स्क्वायर माइनस वन, टू का स्क्वायर फोर माइनस वन, दैट इज हमारा आंसर कितना आ गया, थ्री आ गया। ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है, वेरीफाई कीजिए वेदर दी फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, क्या ये पॉलिनोमियल जो हमारा है उसके सामने जो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ये जीरोज है कि नहीं। तो जीरोज तभी होगा जब वो सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जब वैल्यू हम रख देंगे तो हमारा जीरो आ जाना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं, पहले हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स के जगह हमको रखना है माइनस वन बाई थ्री, तो हमारे पास ये पी एक्स हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक्स के जगह रखते हैं माइनस वन बाई थ्री, तो यहाँ पे थ्री मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन बाई थ्री करेंगे प्लस वन, ये थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन हमारे पास क्या आ गया, जीरो। देखिए पी माइनस वन बाई थ्री जीरो आ गया, इसीलिए एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री क्या होगा, जीरो होगा, किसके
किसका, ये जो हमारा है पॉलिनोमियल पी एक्स उसका, क्लियर। इसी तरह से हमको सभी के साथ चेक कर लेना है। चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे सेकेंड नंबर का जो दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू फाइव एक्स माइनस फाइव, तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा, x के जगह 4 बाय 5 रख देना है। तो यहाँ पे रखेंगे 5 इंटू 4 बाय 5 और ये माइनस हमारा क्या रहेगा पाई, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 4 माइनस पाई। अगर पाई का वैल्यू हम रख भी दें फिर भी हमको यहाँ पे 0 नहीं मिलेगा, ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। तो चूंकि 0 के इक्वल नहीं हुआ इसलिए हमारा ये 0 नहीं होगा, क्लियर। नोट कर देंगे हम लोग x इक्वल टू 4 बाई 5 इज नॉट अ 0 ऑफ पी एक्स। इसी तरह से हम और भी चेक कर सकते हैं, हमको यहाँ पे 2 टाइम्स चेक करना पड़ेगा, एक बार 1 के लिए एक बार माइनस 1 के लिए। तो दोनों ही केस में हमको यहाँ पे 0 मिल जाएगा, वो कैसे देखिए, 1 रखेंगे तो इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 हमको 0 मिल जाएगा। और अगर हम पी माइनस 1 रखते हैं तो उस कंडीशन में भी हमको यहाँ पे 0 ही मिलेगा, चूँकि माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है और ये हमारा 0 हो गया। सो हम क्या लिखेंगे, यस x इक्वल टू प्लस 1 एंड माइनस 1 आर जीरोज ऑफ पी एक्स। 2 टाइम्स तुमको यहाँ भी चेक करना पड़ेगा, पहले माइनस 1 के लिए चेक करना पड़ेगा, तो माइनस 1 प्लस 1 और यहाँ पे हमारा माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस 1 प्लस 1 हमारा 0 हो गया और ये हमारा माइनस 1 माइनस 3 हमारा माइनस 3 हो गया। अब माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और दूसरा हमको यहाँ पे क्या रखना है, 2 रखना है, तो x का जगह 2 प्लस 1 कर लिए और 2 माइनस 2, अगले स्टेप में यहाँ पे 3, 2 माइनस 2 हमारा 0 हो जाएगा, 0 इंटू 3 हमारा 0 होगा, यहाँ भी हमारा s हो जाएगा, s x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 2 आर जीरो ऑफ द पी एक्स। अब ये तो हमारा श्योर है कि यहाँ पे जैसे ही हम 0 रखेंगे हम लोग को 0 मिल जाएगा, तो इसका तो आंसर s होगा ऑब्वियस है। हमको चेक करना है माइनस m बाई एल के लिए, तो हम यहाँ पे रखेंगे माइनस l बाई एम और ये हमारा हो जाएगा l, तो हमारा पहले से यहाँ पे लिया हुआ है, हम यहाँ पे लेंगे माइनस m बाई एल और प्लस में हमारेगा m, तो माइनस और ये तो l l कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस m प्लस m बचेगा, हमारा 0 होगा। नेक्स्ट हमको यहाँ पे चेक करना है माइनस 1 बाय रूट 3 और 2 बाय रूट 3, तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस 1 बाय रूट 3, इसके लिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 होगा और x के जगह होगा माइनस 1 बाय रूट 3 और इसका हम करेंगे यहाँ पे स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ये तो हमारा 3 हो गया, 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर हमारा 3 होगा और यहाँ पे माइनस 1 रहेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, हमारा हमारे पास आएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो फर्स्ट तो हमारा s हो जाएगा, दूसरा हमको यहाँ पे चेक करना है 2 अपॉन रूट 3 के लिए, तो चलिए हमने यहाँ पे ले लिया 3 इंटू यहाँ लिखेंगे 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1, 3 हमारा यहाँ पे रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, हमारे पास 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो फर्स्ट तो हो गया लेकिन सेकेंड हमारा नहीं हुआ। नोट करेंगे हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 इज अ 0 ऑफ पी एक्स, x इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 इज नॉट अ 0 ऑफ पी एक्स। लास्ट हमारे पास यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, हमारे पास चेक करना है x इक्वल टू हाफ के लिए, तो पी एक्स के जगह हमने यहाँ पे हाफ रखा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2 प्लस 1 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 1 प्लस 1 दैट इज हमको 2 मिलने वाला है, ये आंसर हमारा नो होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको यहाँ पे निकालना है जीरोस और जितने भी पॉलिनोमियल है सभी के लिए, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट पी एक्स इक्वल टू 0, चूँकि हमको यहाँ पे 0 निकालना है, तो पी एक्स का वैल्यू हम रख दिए एक्स प्लस 5 और यहाँ पे हमारा जो होगा एक्स का वैल्यू वो हो जाएगा माइनस 5,
तो माइनस फाइव इज द जीरोज ऑफ पी एक्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड नंबर वैसे ही बन जाएगा और थर्ड नंबर भी वैसे ही बनेगा। हमको यहाँ पर लिखना होगा फिर से लेट पी एक्स इक्वल टू जीरो, पी एक्स की जगह हम रखेंगे टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। और अभी हम क्या करते हैं, टू एक्स को हमारा लेफ्ट साइड, फाइव हमारा गया राइट साइड माइनस में, और एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस फाइव अपॉन टू, ये हमारा जीरो निकल गया किसका, पी एक्स का। फोर्थ नंबर भी हमारा सेम बनेगा, इसको जीरो ले लिए, यहाँ पे हमारा कितना आ गया टू अपॉन थ्री। पी एक्स इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है थ्री एक्स, तो लेट पी एक्स इक्वल टू जीरो, पी एक्स की जगह थ्री एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू थ्री हमारा राइट साइड जाके डिवाइड में ये हमारा जीरो आ जा रहा है। यहाँ भी सेम हम करने वाले हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, कह दिया कि ए हमारा जीरो नहीं हो सकता है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो लेट पी एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, तो पी एक्स की जगह ए एक्स इक्वल टू जीरो, अब एक्स का वैल्यू क्या होगा जीरो अपॉन ए, ए जीरो को किसी से भी डिवाइड करेंगे जीरो, तो सेम हमारा हो गया फोर और सिक्स, फाइव और सिक्स हमारा एक जैसा था, तो यहाँ भी हमारा सेम बनने वाला है। यहाँ भी लिखेंगे लेट पी एक्स इक्वल टू जीरो, और पी एक्स की जगह हमारा हुआ सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, और पहले तो हम डी को राइट साइड ले जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास बचेगा सी एक्स इक्वल टू डी, हमारा माइनस में आ जाएगा राइट साइड जा करके, और यहाँ से एक्स का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास सी, हमारा राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा चूँकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो एक्स का वैल्यू हो गया माइनस डी अपॉन सी, और ये हमारा हुआ आंसर। हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया सारे क्वेश्चंस को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।